हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से, और मॉर्निंग में अभी सुबह उठने के बाद मैं पीती हूँ सबसे पहले गर्म पानी, और वही गर्म पानी मैं कर रही हूँ। तो गर्म पानी से मेरी मॉर्निंग स्टार्ट होती है। तो गर्म पानी बना रही हूँ मैं, लेकिन एक नहीं दो ग्लास, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड के लिए भी और अपने लिए भी दोनों के लिए गर्म पानी बना रही हूँ। तेज़ गर्म पानी सुबह सुबह मुझे पीने की आदत है, और इससे पूरा दिन बड़ा अच्छा जाता है। सुबह में गर्म पानी पीने के बहुत फ़ायदे हैं, पेट के लिए भी अच्छा होता है और हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है। और पानी तो हम जैसे कितना भी पिए वो अच्छा ही है हमारी बॉडी के लिए। तो मैंने दो ग्लास पानी ले लिया है। दो ग्लास इसलिए है कि मैं नहीं दूंगी तो वो लेंगे भी नहीं। तो मैं सुबह होने के बाद सारे पर्दे घर के और दरवाजे खोल देती हूँ, जिससे कि अंदर धूप आए और पॉजिटिव एनर्जी आए धूप के साथ साथ। और देखिए, दिन भी बड़ा अच्छा सा लगता है सुबह सुबह खुला खुला, और घर में धूप धूप सी हो जाती है। वैसे भी अभी हल्की हल्की सर्दियां हैं तो अच्छा लगता है, घर के अंदर धूप आ जाती है और मेरे प्लांट्स के अंदर भी जैसे जान सी आ जाती है धूप देख के। तो मैं मॉर्निंग में ये सारे कर्टन खोल देती हूँ। गर्मियों में नहीं खोलती हूँ क्योंकि गर्मियों में धूप आ जाती है, लेकिन इस टाइम की धूप बड़ी अच्छी लगती है। तो और वैसे भी मेरा घर ईस्ट फेस है, तो मेरे घर के अंदर सुबह में धूप आती है। और सक्षम भी अभी उठाया है, और ये अभी उठाया, अभी सुस्त हो रहा है थोड़ा, तो इसके लिए मैं इसकी पोएम्स चला दूँगी स्कूल की थोड़ी देर के लिए। तो ये उनको बोलता रहेगा और लेटा रहेगा, तो मेरा काम भी आसान हो जाएगा, उसको पोएम लर्न हो जाएंगी और ये भी आराम से लेटा रहेगा। क्योंकि सुबह सुबह इसको संभालूँ क्या करूँ, तो इसलिए बच्चे को किसी ना किसी काम में लगा के बिज़ी रखना पड़ता है। और देखिए सूरज कितना अच्छा निकल के आया। तो फ्रेंड्स, ये छोटू वाला प्लांट मैंने विंडो में रख दिया है, और यहाँ पे इसको धूप मिल रही है, तो धूप भी ज़रूरी है प्लांट्स के लिए, और प्लांट्स में जान सी आ जाती है धूप को देख के। और ये अच्छा ग्रो कर रहा है। देखिए एक दो पत्ते इसके बड़े बड़े सक्षम ने तोड़ दिए थे, फिर मैंने उसको समझाया कि नहीं तोड़ते प्लांट्स को, तो उसको समझ में आ गया। और ये वाला प्लांट भी खुश हो रहा है धूप में। धूप से इनको एनर्जी मिलती है ना, तो मैं खोल देती हूँ और ये बड़े होते हैं सुंदर तरीके से, तो मुझे भी उन्हें देख के बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ मेरे प्लांट अच्छे ग्रो कर रहे हैं। और ये बहुत छोटा सा मैंने लिया था, और देखिए इसकी हाइट कितनी अच्छी हो गई है। पहले तो बहुत छोटू सा था, लेकिन इसको लगभग एक डेढ़ साल हो गया मेरे घर में, तो ये अच्छा ग्रो कर रहा है। सर्दी में मैंने इसको अंदर रख लिया था, ये अच्छा हुआ, क्योंकि इसी के जैसा एक और बाहर था, वो सर्दी से थोड़ा ख़राब हो गया, बीमार सा हो गया, लेकिन ये हेल्दी है। तो ये प्लांट मैंने अच्छा रख किया कि इसको अंदर रख लिया, और बाहर भी मेरे कई सारे प्लांट लगे हुए हैं, लेकिन ठीक है, धीरे धीरे मौसम के साथ वो भी ठीक हो जाएंगे। तो आज ब्रेकफास्ट में मैं बनाऊंगी सैंडविच, आलू वाले सैंडविच, और उसके लिए मैंने तैयारी कर ली है। आलू बॉईल कर लिए हैं, टमाटर चॉप कर लिए हैं, अनियन चॉप कर लिया है, धनिया हनी मिर्ची चॉप कर ली, और ब्रेड निकाल के बाहर रख लिया फ्रिज से। तो अब बनाएंगे हम सैंडविच। तो ये सैंडविच काफ़ी टेस्टी होते हैं, ये सैंडविच खाने में काफ़ी टेस्टी लगते हैं। तो मैं गैस ऑन कर दूँगी और कढ़ाई रख दूँगी गैस पे, और इतना कढ़ाई गर्म होगी इतना मैं आलू को मैश कर लूँगी, क्योंकि प्रिपरेशन तो मैंने पहले से ही कर रखी है। ये मेरी लोहे की कढ़ाई है, आपको ये थोड़ी ब्लैक लग रही है, ये मेरी लोहे की कढ़ाई है, आपको ब्लैक लग रही होगी थोड़ी, लेकिन इसका कलर ही ऐसा है। तो मैं इसको काफ़ी रगड़ के क्लीन करती हूँ, लेकिन फिर भी ये ब्लैक रह जाती है। तो जब भी मुझे टाइम मिलता है तब मैं इसको रगड़ रगड़ के क्लीन करती हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल ये ब्लैक ही हो रही है। तो मैंने इसमें डाल दिया ऑयल, और मैं आलू को मैश कर लूँगी। आलू गर्म है इसलिए मैं ऐसे कर रही हूँ, नहीं तो हाथ से या फिर किसी और चीज़ से भी कर लेती। तो ये मैं तो इस तरह से कर रही हूँ, तेल गरम हो गया है, तो कढ़ाई में हो गया तेल गरम। मैंने इसमें डाल दिया जीरा, जीरा चटकने लगेगा इसमें, फिर प्याज डाल दी। जैसे ही जीरा चटकता है फिर उसमें मैंने प्याज डाल दी। तो प्याज को मैं बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी, हाफ फ्राई में ही रखूँगी। तो प्याज हाफ फ्राई हो गए, मैंने इसमें टमाटो डाल दिया चॉप करा हुआ, और इसको मैं मैश कर लूँगी थोड़ा सा। फिर इसमें बेसिक मसाले डालूँगी, तो इसमें मैं धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च डालूंगी। लाल मिर्च थोड़ा कम ही डालूंगी, क्योंकि बच्चों को फिर मिर्च लगेगी, क्योंकि सैंडविच बच्चे मजे से खाते हैं, अगर उसमें मिर्च डाल दो तो फिर नहीं खाते। और इसमें हल्दी नहीं डालूंगी, इसमें सिर्फ लाल मिर्च डालूंगी, क्योंकि इसको बिना हल्दी के ही बनाती हूँ मैं इसकी फिलिंग को, तो गलती से मैंने हल्दी बोल दिया। और इसमें डालूंगी सॉल्ट टेस्ट के अनुसार। सो इन सब चीज़ों को आपस में मिक्स कर लूंगी और अच्छे से मैश कर लूंगी, क्योंकि जितने भी टमाटर में मसाले डले हैं वो सब मिक्स हो जाएंगे और अच्छे से मैश हो जाएंगे। उसके बाद में इसमें डालूंगी आलू। तो मैंने इसमें आलू मिक्स कर लिए हैं, और आलू को अच्छे से मैश कर लेंगे।
जिससे स्टफिंग या फिलिंग अच्छे से बन जाए। अब इसमें चॉप धनिया और हरी मिर्च भी डाल दूंगी। हरी मिर्च भी मैंने बहुत थोड़ी सी ली, आधी ली, और बहुत बारीक बारीक चॉप करी है जिससे बच्चों को मिर्च नहीं लगे। बच्चे छोटे होते हैं तो उनके टेस्ट के हिसाब से हमें खाना बनाना पड़ता है, क्योंकि देखिए बच्चे ही नहीं खाएं तो फिर खाना बनाने में मज़ा ही नहीं आता कुछ। तो ये है मेरा सैंडविच मेकर, जो कि बड़े अच्छे और टेस्टी सैंडविच बनाता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें ऑयल बहुत कम लगता है। पहले मेरे पास दूसरे वाला था, वो जो गैस पे रख के जिसमें बनाते हैं, लेकिन उसमें ऑयल। तो मैं इन स्लाइसेस को मैंने निकाल लिया है ब्रेड की, और इसमें आलू फिल करूँगी, और आलू बहुत ज़्यादा ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी फिल करूँगी जिससे कि एक फिलिंग से तैयार हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आलू भी बच्चे नहीं खाते, फिर निकाल देते हैं। तो थोड़े थोड़े आलू में फिल कर लूँगी, और सैंडविच बनाने के लिए थोड़े से ही आलू चाहिए होते हैं। तो मैंने इसमें इसको फिल कर लिया है, और इसको दूसरे ब्रेड से ऊपर से बंद कर लूँगी। तो इसको इसके साथ बंद कर दूँगी। तो इसी तरह से दूसरा सैंडविच भी मैंने बना लिया, तैयार कर लिया है। तो दोनों तैयार हो गए हैं। अब इन पे ऑयल लगाऊंगी। आपकी मर्जी, ऑयल लगाइए, घी लगाइए, तेल लगाइए, जो आपको पसंद है। तो जो आपको पसंद है आप वो लगा सकते हैं। मैं तो देसी घी लगा लेती हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए देसी घी अच्छा होता है। तो मैंने थोड़ा थोड़ा सा देसी घी लगा लिया इन पे, और इनको मैं अब रख दूंगी इसके अंदर। और देखिए कितना थोड़ा सा ऑयल, मतलब देसी घी या ऑयल मैंने लगाया है। तो बहुत कम लगा के भी ये बड़े अच्छे से बनते हैं, और ये चिपकते भी नहीं है। मेरे पास दूसरे गैस पे रखने वाला भी था पहले, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा ऑयल लगाना पड़ता था, और ऑयल मुंह में आ जाता था, वो टेस्ट ख़राब कर देता था। और इसमें बहुत क्रिस्पी और बहुत अच्छे बनते हैं ये। और ये मेरे पास लगभग 10 साल से है, तो 10 साल से लगभग मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, और कितना अच्छा ये चल रहा है। और इसके मुझे तो इसमें बने हुए काफ़ी अच्छे लगते हैं सैंडविच अपने। और ये देखिए मेयोनीज़, बच्चों के लिए बनाऊँगी मेयोनीज़ वाले, क्योंकि बच्चों को प्लेन सैंडविच से ज़्यादा मेयोनीज़ वाले पसंद है, वो शौक से खा लेते हैं। तो मैं इसमें मेयोनीज़ लगा दूँगी। तो सक्षम के लिए सिर्फ मेयोनी और ब्रेड बनाऊँगी, क्योंकि वो आलू वाली स्टफिंग निकाल देता है, नहीं खाता है। और श्रीजा के लिए थोड़े से आलू भी लगा दूंगी इसमें स्टफिंग में। ये तो एक स्लाइस पे मेयोनी लगा दिया मैंने, और एक साइड थोड़े से आलू स्टफ कर दिए। तो इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा, और वो बहुत खुश होके खाएगी। तो उसके लिए इस तरह के स्टफ करके बनाऊंगी। बच्चों के टेस्ट के हिसाब से बनाते हैं, तो बच्चे अच्छे से खा लेते हैं। तो मेरे सैंडविच बन के तैयार हो गए हैं, 2 क्रिस्पी सैंडविच। और इसकी अच्छी बात यह है कि लाइट अपने आप ऑफ कर देता है, अपने आप बंद हो जाता है, मतलब तो जलने का भी डर नहीं रहता। और आपको थोड़े ज़्यादा क्रिस्पी चाहिए तो आपको 2 बार कर लो। तो मैं अपने लिए 2 बार करके बनाती हूँ। तो मैंने अपने हस्बैंड के लिए लगा लिया प्लेट, चाय और सैंडविच तैयार हो गए, उनको मैंने नाश्ता दे दिया। सुबह में होती है जल्दी जल्दी, तो सबसे पहले उनको नाश्ता देना होता है। बच्चों का नाश्ता भी तैयार हो गया, तो बच्चों का सैंडविच भी तैयार हो गया, बच्चे भी खा रहे हैं। मैं बच्चों को दे आई हूँ। अब ये बची हुई स्लाइसेस भी मैं फिल अप कर लूँगी, और इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा घी लगा के इनको भी बनने के लिए रख दूँगी। तो 2 सैंडविच मैं ले लूँगी, और एक एक्स्ट्रा है बच्चे लेंगे या फिर कोई और लेगा। तो ये इसमें बहुत, और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपके यहाँ गेस्ट भी आए हैं ना, तो आपको ब्रेकफास्ट की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसमें स्लाइस लगा दीजिए ब्रेड की, और सैंडविच बन के आपको तैयार मिलेंगे। ऐसा नहीं कि आपको खड़े होकर उसे पकाना पड़ रहा है। तो यानी नाश्ता करते रहिए, पहले 4 या 5 सैंडविच बना लीजिए और नाश्ता करते रहिए, और 2-2 गरम गरम लगाते रहिए इसमें, चाहे तो डाइनिंग टेबल पे रख लीजिए। तो मुझे इसकी बात ये सबसे अच्छी लगती है, और ये बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें सैंडविच का, एकदम क्रिस्पी और अंदर तक एकदम पक जाते हैं। अब देखिए इसकी लाइट ऑन हो गई है, मैंने स्विच ऑन कर दिया, और मेरे सैंडविच बन जाएंगे। तो अब मैं भी नाश्ता करूँगी। और देखिए सुबह भी ब्रेकफास्ट में कुछ अलग अलग बनता है, तो अच्छा लगता है बच्चों को जब बच्चे घर पे होते हैं। नहीं तो सब्जी पराठा तो बच्चे रोज ही स्कूल ले जाते हैं, तो बच्चों का टेस्ट अलग करने के लिए कुछ। वैसे सैंडविच तो मैं स्कूल में भी दे देती हूँ बच्चों को लंच में, तो दोनों लंच में खा लेते हैं आराम से। ऐसा नहीं है कि सैंडविच नहीं खाते हैं, खा लेते हैं। श्रीजा को तो बल्कि काफ़ी पसंद है सैंडविच खाना, तो वो खा लेती है। सक्षम भी खा लेता है, बट सक्षम को जैम लगा के बना के दो तो वो बेहतर खाता है। आलू वाले वो नहीं खाता है, आलू निकाल देता है उसको आलू पसंद नहीं है, तो वो आलू कम खाता है, तो वो मना करता है मुझे आलू नहीं खाना। तो इसलिए मैं उसके लिए मेयोनीज या फिर ये जैम वाला बनाती हूँ। तो ये लाइट ऑफ हो जाती है अपने आप, और ये अपने आप बंद हो जाता है। सबसे अच्छी बात मुझे इसकी यही लगती है। तो मेरे सैंडविच बन रहे हैं, फिर मैं करूँगी नाश्ता। तो आप लोग भी कर लीजिए सैंडविच और ब्रेड, सैंडविच और चाय सुबह का नाश्ता।
तो ये थोड़ी देर बाद में अपने आप बंद हो जाएगा और मेरे सैंडविच बन जाएंगे। तो देखिए इसकी लाइट हो चुकी ऑफ, यानी कि सैंडविच हो गए मेरे तैयार। तो मैं इनको बाहर निकाल लूँगी और स्विच हमेशा मैं ऑफ कर देती हूँ, मुझे डर लगता है कि करंट ना लग जाए, लेकिन लगता नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा केयरफुल तो होना ही चाहिए ना। तो मैं पहले हमेशा स्विच ऑफ कर देती हूँ और ये जो एक बच्चा हुआ है इसको भी इसके अंदर रख देती हूँ। तो इतना बच्चे खाएंगे तो बच्चे ले लेंगे, नहीं तो उनको चाहिए होगा तो वो ले लेंगे। तो ये भी मुझे तैयार मिलेगा और मैं आराम से बैठ के, ये मेरी चाय गर्म हो रही है क्योंकि उनकी और चाय मैंने अपनी और उनकी एक साथ बनाई थी, ये थोड़ी सी 2 मिनट में ठंडी हो गई। तो मैं इसको गर्म करके अब अपने कप में डालूंगी। और मैं तो आज मुझे श्रीजा के स्कूल भी जाना है, आज सुपर बिजी डे है क्योंकि स्कूल में कुछ मुझे मैम से काम है, काम नहीं एक्चुअली थोड़ा पीटीएम ही है, टीचर्स की और पेरेंट्स की मीटिंग है तो वहाँ जाना है स्कूल में आज मुझे। तो जब अगर किसी दिन कहीं जाना हो तो आपको पता ही है सुबह सुबह जल्दी काम ख़त्म करके निकलना कितना मतलब जल्दी 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 फास्ट हो जाता है सब कुछ। लेकिन मैंने जल्दी जल्दी सब कुछ किया और जल्दी रेडी होके मैं निकल गई स्कूल के लिए। सो फ्रेंड्स, मैं आ गई अपने किचन में और आज का दिन काफ़ी बिजी रहा और अब मैं बनाऊंगी आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी। तो अगर आप मेरे स्टाइल में बनाना चाहते हैं तो देखिए चलिए बनाते हैं आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी। और देखिए कुछ समझ में नहीं आता रोज़ रोज़ क्या बनाएं। अब ये सब्ज़ियाँ फ्रिज में चॉप करके रखने का ये फ़ायदा होता है कि आओ और जल्दी जल्दी में अपना बना लो, कोई टेंशन भी नहीं रहती है। तो ये मेरी चॉप हुई सब्ज़ी रखी थी शिमला मिर्च की, ये आलू और ये टमाटर प्याज और ये हरी मिर्च मैंने अभी चॉप किए हैं। तो चलिए सब्ज़ी फ्राई करते हैं और बात करते रहते हैं। तो मैं इधर कढ़ाई रख लूँगी गैस पे। तो ये मैंने गैस पे रख ली है कढ़ाई, कढ़ाई हो रही है गरम और इसमें अब मैं डालूँगी सरसों का तेल। आपको पता ही है कि मैं सरसों के तेल में ही सूखी सब्ज़ियाँ फ्राई करती हूँ क्योंकि मुझे उसी में उसका टेस्ट अच्छा लगता है। तो मैं ये सरसों का तेल इसमें डालूँगी और बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ऑयली खाना नहीं खाती हूँ तो, और बच्चों को भी वैसे ही आदत है और हम शुरू से जैसी आदत डालते हैं बच्चों को वैसे ही आदत पड़ जाती है। थोड़ा ज़्यादा ही कम रह गया, थोड़ा सा और डाल लेती हूँ। तो ये मैंने इसमें डाल लिया सरसों का तेल और मैं जीरे में फ्राई करती हूँ अधिकतर सब्ज़ियाँ। कुछ लोग राई में भी फ्राई करते हैं लेकिन हम लोग के यहाँ पर जीरे में ज़्यादा फ्राई किया जाता है हमारी साइड में ना। पहले मैं राजस्थान में रहती थी तो मैंने वहाँ पर नोटिस किया था कि वहाँ पर लोग सब्ज़ियाँ अधिकतर राई में फ्राई करते थे लेकिन हम लोगों के यहाँ पर जीरे में फ्राई किया जाता है। अब हमने बचपन से वही उसी तरह से सब्ज़ियाँ खाई हैं तो हमें वही आदत है ना, तो और टेस्ट भी उसी में अच्छा लगता है फिर। तो मैंने अपना एग्जॉस्ट फैन कर लिया ऑन और ये मेरा तेल हो रहा है गरम। इतना मैं खोल लेती हूँ मसालेदानी। तो ये मसालेदानी मैंने ओपन कर ली है और इसमें से अब मैं डालूँगी जीरा। जीरा डब्बी में हो गया है ख़त्म। तो इसको फिल कर लेती हूँ पहले। तो मैं मसालों को अलग से भी ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मसालेदानी में ही मसाले रखती हूँ, कुछ डब्बियाँ अलग बनाए रहती हूँ मसाले की, उससे मुझे प्रॉब्लम नहीं होती। तो देखिए अभी भी मेरा एक पूरा डब्बा जीरे का भरा हुआ रखा है। तो मतलब मैं ध्यान रखती हूँ कि मेरे घर में क्या क्या चीज़ें ख़त्म हो रही हैं उसके हिसाब से मैं चीज़ों को ले आती हूँ और उसमें से फिर फिल करती रहती हूँ। और अगर कुछ चीज़ थोड़ी है क्वांटिटी में तो मैं उसको नोटिस करके रख लेती हूँ और जब इजी डे जाती हूँ सामान लेने के लिए तो मैं ले आती हूँ। तो ये ठीक रहता है, पता है ये छोटी छोटी चीज़ें हमें पहले नहीं पता होती लेकिन हम धीरे धीरे सब सीख जाते हैं। पहले मुझे भी पता नहीं चलता था, किचन में कुछ भी ख़त्म हो जाता था और मुझे भूल जाती थी मंगाने के लिए। तो ये ऑयल मेरा गर्म हो गया है, इसमें मैं डालूँगी ज़ीरा और जैसे ही ज़ीरा चटकने लग जाएगा मैं इसमें डालूँगी हींग। तो हींग डालना तो ज़रूरी है, हींग तो अधिकतर मैं सभी सब्ज़ियों में डालती हूँ क्योंकि डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है और टेस्ट भी अच्छा आता है। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी अनियन प्याज और प्याज डाल के मैं इसमें फ्राई करूँगी। प्याज को ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत बारीक काटा है क्या, और आज मैंने प्याज को चॉपर से भी नहीं काटा है तो प्याज को आज मैंने हाथ से ही कट कर लिया है। आज मैं बैठी हुई थी तो सब्जियां काट रही थी तो मैंने प्याज भी कट कर ली। वैसे बहुत ज़्यादा मसाले काटने नहीं थे क्योंकि आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी में तो आलू प्याज टमाटर और हरी मिर्ची डालती हूँ मैं, इसके अलावा और कुछ ऐसा एक्स्ट्रा डालती नहीं हूँ। आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं। तो ये मेरी प्याज हो गई है फ्राई, अब मैं इसमें डालूँगी टमाटर जो मैंने चॉप करके रखे हुए हैं। मैंने एक ही टमाटर चॉप किया है, ज़्यादा टमाटर नहीं लिए, तो इसको मैं डाल के फ्राई कर दूँगी। और अब मैं डालूँगी बेसिक मसाले, तो थोड़ी सी लाल मिर्च और ये है धनिया पाउडर
कुछ लोग गरम मसाला भी डालते हैं तो डाल सकते हैं, लेकिन मैं डालती नहीं हूँ तो मैं नहीं डालती। धनिया पाउडर मैं थोड़ा ज़्यादा डालूंगी क्योंकि सूखी सब्जियों में मुझे धनिया पाउडर का टेस्ट अच्छा लगता है ज़्यादा, तो ये डाल दिया मैंने। इसमें हल्दी पाउडर और अब डालूंगी मैं इसमें सॉल्ट। सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, जो ज़्यादा ज़्यादा खाते हैं वो ज़्यादा, तो मैं अपने टेस्ट के हिसाब से डाल रही हूँ। और फिर मैं इन सब मसालों को अच्छे से भून लूँगी। हल्दी इस टाइम पे डालने का फ़ायदा ये रहता है कि हल्दी अच्छे से भुन जाती है, अगर बाद में डालते हैं तो भुनती नहीं है। अब देखिए मसाले भुन चुके हैं, अब मैं इसमें जो कटी हुई शिमला मिर्च है वो सब डाल दूँगी और फ्राई करूँगी थोड़ा सा। ऐसा नहीं है कि खाना बनाने के लिए बहुत ढेर सारे मसाले चाहिए, हल्के हल्के मसालों में ही सब्ज़ी अच्छी बन जाती है, बस इंसान को अच्छे से बनानी आनी चाहिए और धीरे धीरे सब सीख जाते हैं। अभी हरी मिर्च और आलू भी मैं इसमें डाल के फ्राई कर लूँगी, तो ये मैं इसमें डाल के करूँगी मिक्स और इसको फिर मैं ढक के पकाऊँगी। और अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा ड्राई है, वैसे तो इसमें जो स्टीम है उससे आराम से पक जाएगी, तो हल्का सा पानी का छींटा मार सकते हैं। वैसे शिमला मिर्च पानी काफ़ी छोड़ती है, तो मैं इसमें कुछ पानी वानी नहीं डालूँगी, इसको सेम गैस पे बिल्कुल ढक के रख दूँगी और थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं इसको चेक करती रहूँगी कि ये लग तो नहीं रही, अगर नीचे लग रही है तो इसको धीरे धीरे चलाते रहेंगे। तो मेरी सब्ज़ी हो गई है फ्राई, अब मैं इसको रख देती हूँ इस प्लेट और इसको पकने के लिए छोड़ देती हूँ। इतना मेरे किचन में जो सामान चालू पड़े हैं उनको मैं कर देती हूँ मैनेज, क्योंकि अगर हम साथ साथ वो चीज़ें जमाते हुए चलते हैं तो हम लोगों को प्रॉब्लम कम होती है। तो मेरी आदत है कि जो चीज़ें जब फैलती है मैं उनको तभी समेट देती हूँ, तो वो ईजी हो जाता है मेरे लिए, तो फिर बाद में बड़ा टफ हो जाता है। तो वो सब्ज़ी हो गई है मेरी फ्राई। और एक्चुअली आज स्कूल से आते आते मुझे थोड़ा लेट हो गया था, तो आने के बाद लंच में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, खिचड़ी विचड़ी बनाई बच्चों के लिए, तो बस यही रहा आज, तो ज़्यादा कुछ नहीं किया। सो फ्रेंड्स, अभी बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, लेकिन शाम हो रही है, अंधेरा हो गया है बाहर, तो अब मैं सारे कर्टेन लाइटें वगैरह ऑन कर दूँगी मंदिर की और घर की, और कर्टेंस कर दूँगी बंद क्योंकि बाहर से दिखता है फिर अच्छा नहीं लगता है, और अपने प्लांट को थोड़े आगे कर दूँगी, नहीं तो इस पर कर्टेन टच होते रहेंगे तो डर लगता है बच्चे लीव्स ना तोड़ दें। तो शाम को सारे कर्टेन बंद कर दूँगी, और क्योंकि घर का बाहर से दिखता है तो अच्छा सा नहीं लगता है। और मैं अब अपना मंदिर की सफाई करूँगी क्योंकि शिवरात्रि आ गई है, और एक दिन पहले तो वैसे भी इतना काम रहता है, मार्केट भी जाना होता है कुछ ख़रीदारी करने के लिए पूजा के सामान की, और काफ़ी कुछ काम रहता है, तो मैं ये हमेशा ऐसे ही करती हूँ, एक दो दिन पहले सफाई कर लेती हूँ मंदिर की, तो पूजा के कपड़े भी धुले हुए साफ़ सुथरे मिल जाते हैं मुझे, तो वही मैं अब शुरू करूँगी अपना काम मंदिर की सफाई करने का। सो फ्रेंड्स, देखिए ये मेरा छोटा सा प्यारा सा मंदिर, और मेरे मंदिर को मैंने यहाँ कॉर्नर में रखा हुआ है, और एक मैं आसन रखती हूँ पूजा पे बैठने के लिए, तो इसी आसन पे बैठ के हम लोग पूजा करते हैं क्योंकि, और इसी पे बैठ के सफाई करूँगी मंदिर की, क्योंकि कहते हैं नीचे बैठ के पूजा नहीं करनी चाहिए और पूजा के काम भी नहीं करने चाहिए, किसी चीज़ पे बैठ जाना चाहिए। तो ये मेरा मंदिर है और मंदिर की सफाई बहुत ज़रूरी हो रही है, और प्लेट में भी देखिए थोड़ा सा तेल वेल गिरा रखा है क्योंकि कभी कभी श्रीजा भी दिया लगा देती है, तो वो छोटी है तो उससे गिर जाता है कभी कभी, लेकिन कोई बात नहीं, बच्चे ऐसे ही तो सीखते हैं। तो ये प्लेट अब मैं चेंज कर दूँगी, और वैसे मंदिर जल्दी जल्दी साफ़ करती रहती हूँ मैं, लेकिन कभी कभी हो जाता है कि टाइम नहीं लग पाता, तो उस बार हो जाता है थोड़ा लेट, तो ऐसे बहुत ज़्यादा गंदा भी नहीं हो रहा, लेकिन आजकल डस्ट ज़्यादा आ रही है क्योंकि आजकल हवा बहुत तेज़ चल रही है रोज़, तो मैं ये सब क्लीन कर दूँगी। और ये स्टील की प्लेट मैंने रखी हुई है, वैसे मैंने पीतल की प्लेट ली हुई है जो मुझे काफ़ी पसंद है, लेकिन क्या है ना वो सर्दियों में उसको साफ़ करने में प्रॉब्लम होती थी, तो मैंने ये स्टील की लगा दी यहाँ पे। तो अब मैं धीरे धीरे करके सारे जितने भी भगवान जी के चुन्नियाँ वगैरह हैं, दुपट्टे हैं और ये क्लॉथ्स हैं, सब निकाल लूँगी और इनको वॉश कर दूँगी, तो मेरा कल के लिए काम आसान हो जाएगा क्योंकि एक दिन पहले भी सारा काम नहीं होता। और ऊपर देखिए चला रखी है सक्षम ने पेंसिल, पता नहीं इसने पेंसिल कब चला दी मंदिर पर, क्योंकि आजकल इसके हाथ में हमेशा पेंसिल रहती है और ये लगा रहता है, बस दीवारें मैं बचा के रखती हूँ कि दीवारें ना गंदी करे, नहीं तो घर गंदा लगेगा इसलिए। तो मंदिर की मैं सारी धीरे धीरे ये सब चीज़ें निकालूंगी, और ये माचिस वाचिस सब फैली हुई है, और सब पहले सारी मूर्तियों को हटा लूँगी ना, तो फिर इजी रहेगा, तो सारी मूर्तियों को हटा लूँगी पहले, और ये सब कपड़े जितने भी हैं वो निकालूंगी। देखिए मैंने अधिकतर पीतल के लिए हैं भगवान जी, ये साईं बाबा की मूर्ति भी पीतल की है, लेकिन पीतल के बर्तन, पीतल की चीज़ों को साफ़ करना थोड़ा मतलब
थोड़ा अलग से साफ करूंगी, थोड़ा सा तो टफ हो जाता है ना, ये तो एक बार में हो जाएगा, लेकिन पीतल की चीजें एकदम से नहीं साफ हो पाएंगी। तो ये सारे कपड़े, और ये देखिए कुछ खाना रखा हुआ है, क्योंकि श्री जब भोग लगा देती है भगवान जी को, कुछ मैं अच्छा बनाती हूँ तो उसको पता है कि भोग लगाना है, तो वो अपने आप लगा देती है अपनी प्लेट में से। और ये सब दुपट्टे वगैरह उतार लूँगी, और ये शिवरात्रि के दिन ही साफ़ सुथरे डालूँगी, तो या फिर शिवरात्रि से एक दिन पहले भी डाल देती हूँ शाम को, तो मंदिर पूरा सजा हुआ और साफ़ सुथरा मिलता है, क्योंकि सुबह में काफ़ी जल्दी होती है शिवरात्रि में, जल चढ़ाने जाना होता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि शाम को ही क्लीनिंग कर लूँ मंदिर की, और ये सब काम शाम को ही कर लें, क्योंकि सुबह को फिर मंदिर बहुत जल्दी जाना होता है, सुबह को तो सबसे पहला उठने के बाद काम शिवरात्रि के दिन मंदिर जाना ही होता है। तो ये सब कपड़े मैं निकालूंगी पूजा के, और ये जो मूर्तियां हैं इन सबको भी साफ करूंगी, फोटोज़ जो हैं भगवान जी की, माता जी की, देखिए कितनी सुंदर फोटो है मेरी, और अपने मंदिर की चीज़ें सभी को बहुत पसंद होती हैं, मुझे भी बहुत पसंद है एक एक चीज़। और मैं जब जाती हूँ, मुझे कोई सुंदर सा क्लॉथ या सुंदर सी चुन्नी मिलती है माता जी की, या कोई सुंदर सी माला, तो मैं ले आती हूँ। और ये देखिए कितना प्यारा सा मेरा क्लॉथ है, और ये एक्चुअली मैंने दो रखे हुए हैं, एक फेस्टिवल वगैरह पे लगाने के लिए, और ये देखिए फेस्टिवल पे लगाने के लिए ये वाला रखा हुआ है, तो ये काफ़ी जगमग सा सुंदर सा दिखाई देता है, तो यही मैं शिवरात्रि पे लगाऊंगी, जिससे मेरा मंदिर बड़ा जगमग सा और सुंदर सा दिखाई देगा। तो यही है बस, मंदिर भी सजा धजा सा अच्छा लगता है ना त्योहारों पे, और भगवान जी का त्यौहार है ये, वैसे तो सारे त्यौहार भगवान जी के होते हैं, लेकिन शिवरात्रि और ये जन्माष्टमी वगैरह इन पे थोड़ी सी और ज़्यादा वो हो जाती है। तो ये सारे कपड़े मैंने भगवान जी के अलग निकाल लिए हैं, और इनको करूँगी वॉश, और ये छोटी छोटी मालाएँ देखिए मैंने ली हुई हैं, कितनी अच्छी लग रही हैं, छोटी छोटी सुंदर सुंदर सी, तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हमारे घर को सजाने में मदद करती हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत भारी भरकम या बहुत महंगी चीज़ें हम लाएं जब भी हमारा घर सुंदर बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक लेडी अपने घर को बड़े दिल से सजाती है, तो घर तो दिल से सजाया जाता है महंगी चीज़ों से नहीं। और ये मेरे जितने भी पीतल के भगवान जी हैं, मैं इनको एक साइड रख लूँगी, और इनको मैं बाद में साफ़ करूँगी, मतलब अभी इनको नहीं करूँगी, पीतल को साफ़ करने का काम बाद में करूँगी, क्योंकि पीतल की प्लेट भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं पीतल की, और टूटी फूटी माचिस वाचिस ये सब निकाल दूंगी मंदिर में जो बच्चों ने रखी हुई हैं। और इस डब्बे में बत्ती रखती हूँ, और ये धूप वगैरह रखती हूँ, धूप में रोज नहीं लगाती हूँ, कभी कभी लगाती हूँ क्योंकि धुआं नुकसान करता है ना, तो इसलिए। और ये डब्बा भी देखिए कितना गंदा हो रहा है, इसको भी मुझे साफ़ करना है, अभी इसको भी साफ़ करूँगी, सर्दियों में एक बार भी मैंने इसको साफ़ नहीं किया, तो ये भी गंदा सा लग रहा है कुछ, इसको भी मैं अब साफ़ करूँगी। तो देखिए ये जितने पीतल की मूर्तियां हैं इनको मैंने अलग निकाल लिया है, और इनको मैं बाद में साफ़ करूंगी, क्योंकि पीतल को साफ़ करने की तो एक टेक्निक होती है, उसी से साफ होता है। वैसे भी यहाँ हमारे घर के पास में एक नाला गंदा सा है, तो उसकी वजह से ना पोल्यूशन कहें या क्या कहें, मतलब हवा से ही कुछ चीज़ें काली पड़ती रहती हैं, ये पीतल और स्टील की टैप्स वगैरह, तो उनकी बड़ी टेक केयर करनी पड़ती है, तो यहाँ पे ये मुसीबत बहुत है, इसलिए मुझे ये पीतल की चीज़ें बहुत ज़्यादा साफ़ करनी पड़ती हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे पसंद है क्योंकि पीतल की चीज़ें काफ़ी घर में रखना, क्योंकि मुझे पसंद है ये ब्रास, तो मैं रखती हूँ और क्लीन भी करती रहती हूँ टाइम टू टाइम। अभी इस बार थोड़े ज़्यादा दिन हो गए सर्दियों की वजह से, तो इनको भी क्लीन करूँगी। तो ये मैंने सारे क्लॉथ्स अपने जितने भी हैं सब सर्फ में भिगो लिए, और ये मैं किचन में वॉश इसलिए कर रही हूँ क्योंकि एक साइड में मेरी सब्ज़ी बन रही है ना, कभी वो जल जाए इनके चक्कर में, तो मैं किचन में ये सब लेकर आ गई, क्योंकि होता है ना हम एक काम करते हैं और एक काम को करने के चक्कर में दूसरा काम गड़बड़ कर देते हैं, तो मेरी सब्ज़ी जल ना जाए इसलिए मैं ये सब यहाँ पर ही लेकर आ गई हूँ। और देखिए ऐसे देखने में नहीं लग रहे थे कि ये गंदे हैं, लेकिन इनमें कितना काला पानी निकल रहा है, तो जो दिए से धुआं उठता है वो सारा इन चीज़ों पे ही तो बैठता है, तो मैं जल्दी जल्दी वॉश करती रहती हूँ, तो इतने गंदे नहीं है, नहीं तो ये बिल्कुल काले हो जाते, तो फिर भी थोड़ा सा ब्लैक सा पानी निकल ही रहा है, तो इनको टाइम टू टाइम वॉश करते रहो तो मंदिर भी बड़ा सुंदर सा साफ सा दिखाई देता है। तो मैं सब चीज़ों को अच्छे से रगड़ के साफ़ कर लूँगी, और हाथ से ही साफ़ करूँगी, क्योंकि भिगो के रखने से भी ख़राब हो जाते हैं, मशीन में तो खैर भगवान जी के कपड़े डालने ही नहीं चाहिए, सबके कपड़ों के साथ में हाथ से ही धोने चाहिए, और इस पर इतना वर्क हुआ होता है तो वो सब ख़राब हो जाएगा। और कितने सुंदर सुंदर कपड़े आते हैं ना छोटे छोटे, और बड़े अच्छे दिखाई देते हैं, तो छोटी छोटी मालाएं हैं मोती हैं इनमें, तो मैं इन सबको अच्छे से रब करके साफ़ कर लूँगी और साफ़ पानी में निकाल लूँगी।
तो ये ले लिया मैंने क्लीन वाटर, और क्लीन वाटर में अब मैं ये सब पानी निकाल लूँगी और इनको दो तीन बार निकालूँगी जिससे सर्फ अच्छे से निकल जाए। और फिर देखिए मेरा आधा काम ख़त्म हो गया, मतलब मंदिर के कपड़े वॉश हो गए, तो मतलब मंदिर की आधी सफाई तो हो ही गई। और ये बड़े छोटे छोटे से काम है और इनको ही करने में हम टालते रहते हैं, ये सोचते हैं आज करें कल करें। और थोड़ा सा बच्चों की पढ़ाई का टाइम भी चल रहा है तो बड़ा सोच के करना पड़ रहा है सारे काम। लेकिन ये त्यौहार हमारी लाइफ में बड़े अच्छे दिए हैं ऊपर वाले ने, इसके बहाने हम सब चीज़ों की सफाई कर लेते हैं, किचन की सफाई कर लेते हैं। तो मैं सोच रही थी कि शिवरात्रि से पहले पहले किचन की भी एक बार डीप क्लीनिंग कर लूँ, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं लग पाया क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं और थोड़ा सा नहीं हो पाया। तो मैं सोची कोई बात नहीं, होली से पहले पहले कर लूँगी। और बच्चों की पढ़ाई देखिए सबसे पहले ज़रूरी है, ये सफाइयाँ तो चलती ही रहती हैं हमारे घर में। वैसे इतनी गंदी मेरी किचन नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी चीज़ें फैल जाती हैं क्योंकि इनमें कबर्ड वगैरह नहीं बनी हुई ना, तो उससे फैल जाता है सामान। तो ये मैं साफ़ पानी में निकाल लूँगी इसको और फिर मैं इनको बाहर सुखा दूँगी और सुबह को लगाऊंगी मंदिर में। तो मैंने अच्छे से ये साफ़ करके निकाल लिए हैं, अब इनको मैं सुखाऊंगी बाहर और कोशिश करूंगी कल सुबह को तो नहीं लगाऊंगी, सुबह में वैसे भी बहुत काम रहते हैं, कल शाम तक इनको लगा दूंगी मंदिर में, जिससे कि परसों के लिए मंदिर पूरा रेडी मिल जाए मुझे। तो सारे कपड़े मैंने सुखा दिए हैं स्टैंड पे और चल रही है काफ़ी हवा, तो ये हवा में सूख जाएंगे क्योंकि शाम हो रही है तो अब धूप तो है ही नहीं, लेकिन ये हवा में ही सूख जाएंगे। और सुबह की जल्दी की धूप तो इन्हें मिल ही जाएगी क्योंकि मैं कल सुबह तो इनको लगाऊंगी नहीं, वैसे भी सुबह इतना काम होता है तो आराम से ही लगाऊंगी। तो ये मुझे कल को जब मैं मंदिर सेट करूंगी तो बिल्कुल क्लीन कपड़े मिलेंगे मेरे, और कितने अच्छे लगते हैं ना छोटे छोटे से भगवान जी के कपड़े, प्यारे प्यारे। तो चलिए कपड़े तो हो गए भगवान जी के वॉश, एक बार मंदिर के हाल भी देख लेते हैं। तो मंदिर को मैं हमेशा इस तरह से ही साफ़ करती हूँ कि स्क्रबर ले लेती हूँ और उस पर थोड़ा सा विम लिक्विड लगा लेती हूँ और उससे इसको रगड़ देती हूँ, क्योंकि उससे जितनी भी इस पर चिकनाई सी होती है ना, जो दिए की होती है और हाथ लग जाते हैं चिकने चिकने, वो सब उससे साफ़ हो जाते हैं। सर्फ से भी इतना साफ़ नहीं होता जितना विम लिक्विड से होते हैं। तो मैं विम लिक्विड इस पर लगा के पूरे मंदिर पर घुमा देती हूँ तो मंदिर मेरा साफ़ हो जाता है, बिल्कुल चमक जाता है। और ये देखिए मेरा मंदिर काफ़ी पुराना हो गया है तो थोड़े थोड़े से दाग धब्बे भी हो गए हैं, ऊपर से वाइट कलर का है, लेकिन फिर भी मैं इसका मेंटेनेंस का ध्यान रखती हूँ काफ़ी, तो इतना भी नहीं ख़राब हुआ है। लेकिन देखिए टाइम के साथ चीज़ें होती तो है ना थोड़ी सी, तो कोई बात नहीं। और अंदर भी मैं इसमें पेंट करती रहती हूँ, जैसे दिवाली पे मैं पेंट कर देती हूँ मंदिर के अंदर, तो मेरा मंदिर भी बड़ा साफ़ सुथरा और सुंदर दिखाई देता है। तो सारी चीज़ें हम मेंटेन करते हैं, साफ़ करते हैं, तो मंदिर तो सबसे ज़रूरी है ना, तो मंदिर को भी मैं अपने बड़े प्यार से मेंटेन करके रखती हूँ। और मुझे अपना सजा धजा प्यारा सा मंदिर रखा हुआ यहाँ बहुत अच्छा लगता है। मेरे घर में ऊपर के हिस्से में भी स्पेस है, कई लोगों ने मुझे कहा कि ऊपर रख लो मंदिर को, लेकिन मेरा मन नहीं मानता, मुझे लगता है नहीं यार जब हम लोग नीचे रहते हैं तो मंदिर भी नीचे होना चाहिए। तो मतलब कुछ लोग होते हैं स्टोर में रख लेते हैं, कहीं रख लेते हैं, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता। मुझे तो ये मतलब ऐसे अच्छा लगता है कि मुझे आँखों के सामने भगवान जी दिखते रहें बार बार वो दिखते रहते हैं, तो बार बार हाथ भी जोड़ते रहते हैं हम, सर झुकाते रहते हैं। और बच्चों को भी थोड़ी आदत होती है पूजा पाठ करने की, और ज़रूरी भी है। देखिए हम किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं तो हमें अपने धर्म के बारे में बच्चों को सिखाना चाहिए, है ना, और जिससे वो हमारे कल्चर को सीखें, हमारी आने वाली पीढ़ी भी ईश्वर में विश्वास रखें, क्योंकि आजकल के बच्चों की लाइफ बहुत फास्ट है, वो पढ़ने में आजकल इतने बिजी हैं उनको टाइम नहीं मिलता। तो फिर भी हमें ये सब संस्कार तो उन्हें सिखाने ही पड़ेंगे ना जो हमने सीखे हैं किसी टाइम पे। तो अब हमारा टाइम चल रहा है कि हम अपने बच्चों को सिखाएं। तो मैं सब मूर्तियों पे कपड़ा वपड़ा लगा के इनको साफ़ करके इनको जगह पर लगा दूंगी ऐसे ही, क्योंकि अब पूजा का टाइम भी होने वाला है तो दिया लगेगा, तो उससे पहले मैं मूर्तियाँ सारी मंदिर में लगा दूंगी और फिर मैं दिया लगाऊंगी। तो ऊपर से भी मंदिर की क्लीनिंग कर लेती हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा डस्ट तो ऊपर ही बैठती है ना बाहर के हिस्से में, तो यहाँ पे भी कपड़ा मार के साफ़ कर लेती हूँ। देखिए मंदिर बिल्कुल साफ़ हो गया, चमक गया और कितना सुंदर लग रहा है तो मेरा मंदिर हो गया है क्लीन, और चीज़ों को लगा दूंगी जगह पे और फिर करूँगी पूजा क्योंकि शाम का टाइम हो गया। और ये है मेरे गणेश जी, ये मैंने अपनी शादी में नारियल बनाए थे जो सगाई के लिए बनाते हैं ना, और ये पुराने से हो गए हैं लेकिन फिर भी मुझे ये बहुत पसंद है, इनको मैं कभी हटा के नहीं रखती, आखिरकार मेरी शादी के हैं ये और मैंने अपने हाथ से अपने प्यार से बनाए थे, तो इनको मैं कभी नहीं हटाऊंगी, यहीं पे रखूंगी हमेशा चाहे कितने भी पुराने हो जाएं। और देखिए मंदिर हो गया है चकाचक एकदम शानदार, चमक गया है बिल्कुल, और अब पूजा का टाइम हो गया, पूजा करूँगी।
तो प्लेट भी मैंने साफ लगा दिया मंदिर में, दिए को भी मैं साफ कर रही हूँ, और बाकी जब पीतल के बर्तन साफ करूँगी जब अच्छे से साफ कर दूँगी, लेकिन अब दिए का टाइम हो रहा है तो दिया लगा देती हूँ। और पहले नीचे से फर्श भी थोड़ा साफ कर लूँगी, फर्श भी गंदा सही हो जाता है, बार बार तेल वेल गिरता रहता है, तो पहले से थोड़ा सा फर्श साफ करूँगी। तो ये फर्श भी मेरा कितना ब्लैक ब्लैक हो रहा है, इसको साफ करूँगी, इसको भी मैं विम लिक्विड लगा के रगड़ के साफ करूँगी, और ये सब दाग धब्बे साफ हो जाएंगे। कहने के लिए तो रोज़ पोछा लगता है, लेकिन ये है ना सब चीज़ों के नीचे तो नहीं लग पाता ना रोज़ रोज़, तो वो डीप क्लीनिंग बहुत ज़रूरी होती है। वही डीप, और ये त्यौहार हैं तो देखिए हमारी डीप क्लीनिंग बड़े अच्छे से हो जाती है, और इसीलिए शायद ये त्यौहार बनाए गए हैं कि हमारा घर साफ़ सुथरा सुंदर रहे, और यार कोने कोने से गंदगी तो निकालनी पड़ती है, नहीं तो घर का हाल बेकार हो जाएगा। तो मैं सबको इसको लिक्विड से विम से रगड़ के साफ़ करूँगी, और फिर बाद में इसको साफ़ कपड़े से पोंछ दूँगी। तो ये सब दाग धब्बे मुझे छुड़ाने हैं, सबको छुड़ा दूँगी। तो कुछ भी होता है त्यौहार वगैरह, या फिर मैं जब मंदिर की डीप क्लीनिंग करती हूँ तो मैं ये सब हिस्सा देखिए कितना ब्लैक ब्लैक निकल रहा है, तो सब तब साफ़ करती हूँ, तो उससे ये हिस्से मेरे जल्दी जल्दी साफ़ होते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि फर्श ब्लैक हो गया या ज़्यादा गंदगी चिपक गई, तो मैं करती रहती हूँ। लेकिन यार सर्दियों में थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं, तो काफ़ी दिन से इस बार नहीं किया था। तो देखिए नीचे से खाली डब्बी वब्बी निकल के आ रही है मंदिर के नीचे, और ये बच्चों के भी कुछ काम होते हैं ना, बच्चे फुलाते हैं, बच्चे भी अपनी चीज़ें छिपा छिपा के रख देते हैं कभी कभी, क्योंकि श्रीजा 2-3 कैंडल्स वगैरह लेके घूम रही थी, वो उसने मंदिर के नीचे छुपाई हुई थी सब, जिससे मैं लूनी। देखो कितना ब्लैक ब्लैक निकल रहा है सर्फ से, इससे विम लिक्विड से, तो ये सब साफ करूँगी, और मंदिर का कोना मेरा साफ और सुंदर हो जाएगा, फिर पूजा करने में भी मुझे बड़े मज़े आएंगे। तो ये सब मैं ऐसे रगड़ के, और यहाँ देखो कोने में बहुत गंदगी इकट्ठी हो गई है, ये सारी यहाँ पे बड़ी वाली तेल की बोतल रखी हुई थी ना दिए की, तो वो गिरता रहता था, तो उससे ये सब ब्लैक पड़ गया है, ये सब छुटा दूंगी और ये सब कुछ साफ हो जाएगा, फिर पूरा मंदिर अच्छा लगेगा मुझे। तो देखिए हमारी लाइफ में क्लीनिंग कितनी ज़रूरी है, और रोज़ सफाई होते हुए भी कोने कितने गंदे हो जाते हैं घर के, और जबकि मैं चीज़ें हटा हटा के उनकी सफाई कराती रहती हूँ, फिर भी यार कितनी गंदगी होती है घर के अंदर। तो हम लोगों को ये गंदगी साफ़ करते रहती है, और मैं कितना रगड़ रही हूँ फिर भी ये नहीं छूट रहा, तो इसको लेकिन छुटाऊँगी ज़रूर, गर्म पानी से छुटाऊँगी बाद में, लेकिन छुड़ा दूँगी। तो ये अभी तो मेरे से नहीं छुड़ा, लेकिन छुड़ाऊँगी इसको, मॉर्निंग में छुड़ा दूँगी। तो मेरा मंदिर पूरा हो गया साफ, और तो देखिए कितना सुंदर दिखाई दे रहा है साफ़ सुथरा मंदिर, और अभी जब इसमें चीज़ें लग जाएंगी सारी दुपट्टे वगैरह, तो और भी सुंदर दिखाई देगा। तो ये मैंने पूरा साफ़ कर दिया है, और शाम का टाइम है, और अभी मुझे अब खाने की टेंशन भी नहीं है, क्योंकि मैंने डिनर की तैयारी करके रख दी है, आटा बना दिया है, सब्ज़ी बनी रखी है, तो इसीलिए मैं पहले आधे काम ख़त्म कर लेती हूँ, जिससे कि मुझे बाद में ना वो खाने की टेंशन ना रहे। और ये देखिए कितना कचरा निकला है, ये कैंडल श्रीजा की छिपाई हुई रखी है इसके नीचे, ये मुझे आज मिल गई। तो मैंने ये पीतल के बर्तन इधर रख दिए हैं सारे, उनको बाद में साफ़ करूँगी, और एक आपको बताऊँगी भी मैं इसको कैसे क्लीन करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक, तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें, और हाँ बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, और बेल आइकन दबाने से आपको पता चलेगा कि मेरी नई वीडियो आई है और आप उसको देख सकेंगे। और 6:10 हो गए हैं, देखिए तो 6:10 हो चुके हैं, अब मैं करूँगी पूजा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नए ब्लॉग में, तो मेरा मंदिर क्लीन हो गया है। ओके फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं बाद में, बाय बाय।